दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिक्योर कनेक्शन क्या होती है और साथ ही साथ दोस्तों कनेक्शन को किस प्रकार से हम सिक्योर कर सकते हैं इनके तरीके के बारे में भी एक एक करके डिटेल से जानने वाले हैं। दोस्तों आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो सिक्योर कनेक्शन होती है वो क्या करती है, इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। सिक्योर कनेक्शन इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित रखने का कार्य करती है, ठीक है, कहां पर, इंटरनेट में डेटा को सुरक्षित या सिक्योर रखने का कार्य करती है। सिक्योर कनेक्शन क्या करती है, इंटरनेट में किसी भी डेटा को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। जब भी हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करते हैं तो यह जो कनेक्शन होती है वो क्या करती है, उस डेटा को सिक्योर करती है। क्या करती है, सिक्योर करती है। डेटा का ट्रांसफर, जब भी हम किसी भी डेटा का ट्रांसफर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, ठीक है, के बीच करते हैं तो ये जो यहां कनेक्शन है ये क्या करती है, उस डेटा को सिक्योर करती है। ठीक है, समझ में आ गया। सिक्योर कनेक्शन क्या होती है, इंटरनेट में किसी भी डेटा को सिक्योर रखना। सिक्योर कनेक्शन का नेक्स्ट वर्क क्या है, जब भी हम उस डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करते हैं तो यहां जो कनेक्शन है, जो सिक्योर कनेक्शन है, वो क्या करता है, उस डेटा को हैकर से बचाने का काम करता है। डेटा को क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन उस डेटा को हैकर से बचाने का काम करता है। जब भी हम किसी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करते हैं तो सिक्योर कनेक्शन क्या करता है, उस डेटा को हैकर से बचाने का काम करता है। सिक्योर कनेक्शन का नेक्स्ट वर्क है, जब भी हम किसी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करते हैं तो जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा का ट्रांसफर है वो सुरक्षित तरीके से हो रहा है यह सुनिश्चित करता है। क्या करता है, जब भी हम डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ट्रांसफर करते हैं तो हमारी जो डेटा है वो सुरक्षित ढंग से ट्रांसफर हो रही है यह सुनिश्चित करने का काम सिक्योर कनेक्शन करता है। सिक्योर कनेक्शन का नेक्स्ट वर्क है, यह जो कनेक्शन है वो डेटा को सिक्योर करने के लिए एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल का यूज करते हुए डेटा को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, जो सिक्योर कनेक्शन है वो क्या करती है, डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल का यूज करते हुए डेटा को इनक्रिप्ट करती है। क्या करती है, डेटा को इनक्रिप्ट करती है। डेटा को क्या करती है, इनक्रिप्ट। ठीक है, सिक्योर कनेक्शन क्या करती है, किसी भी डेटा को सुरक्षित करने के लिए एक या एक से अधिक प्रोटोकॉल का यूज करते हुए उस डेटा को इनक्रिप्ट करती है। दोस्तों यहां पर इनक्रिप्ट शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है, इनक्रिप्ट, ठीक है, इसका जो मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जैसे मैं यहां पर मान लो आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो उसमें आप किसी के पास मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, या किसी के पास चैटिंग करते हैं, मान लो उसमें आप लोगों ने लिख दिया हाउ आर यू, ठीक है, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, हाउ आर यू क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, मतलब साइफर टेक्स्ट मतलब अननोन फॉर्म, जिसको हम ना समझ सके, ठीक है, वही क्या कहलाती है, साइफर टेक्स्ट। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया हाउ आर यू, अगर मान लो हम कुछ इस तरह से हाउ आर यू को लिख देंगे तो, ठीक है, इस तरह से हम कुछ टेक्स्ट में लिख देंगे, ये क्या कहलाएगी, साइफर टेक्स्ट कहलाएगी। यहां पर मैंने हाउ आर यू लिखा है, क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, ये क्या है, एक साइफर टेक्स्ट है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम व्हाट्सएप में किसी के साथ चैटिंग करते हैं तो उस डेटा का क्या होता है,
इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। उस डेटा को जो प्लेन टेक्स्ट है उसको किस टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट, और ये क्या है, साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, डेटा इनक्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इनक्रिप्ट कहलाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इनक्रिप्ट कहते हैं। तो सिक्योर कनेक्शन क्या करती है, उस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का यूज करते हुए डेटा को इनक्रिप्ट करने का कार्य करती है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कनेक्शन को सिक्योर करने के कौन कौन से तरीके, जिनको हम मेथड ऑफ कनेक्शन कहते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ कनेक्शन। क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कनेक्शन, मतलब सिक्योर कनेक्शन में, कनेक्शन को सिक्योर करने के कौन कौन से तरीके हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कनेक्शन कहते हैं। तो उसमें पहला क्या है, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया कि जब भी हम WhatsApp पर चैटिंग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। जब हम मान लो यहां पर हम WhatsApp का यूज कर रहे हैं, मान लो किसी के साथ चैटिंग कर रहे हैं, मैं अपने दोस्त के पास लिख रहा हूं हाउ आर यू, ठीक है, ये चैटिंग कर रहा हूं, ये लिख के उनके पास भेज रहा हूं, तो दोस्तों ये क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। और मान लो यही हाउ आर यू कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा, तो ये क्या होगी, साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों मैं तो मेरे दोस्त के पास, मेरे फ्रेंड्स के पास इस तरह के टेक्स्ट लिखकर भेज रहा हूं हाउ आर यू, जो कि आपको और मेरे को समझ में आ रही है। बट दोस्तों जैसे मैं इसको अपने दोस्त के पास व्हाट्सएप में भेजूंगा तो ये इंटरनेट के अंदर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, जो कि काफी टफ है, ठीक है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते ना। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट का साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, डेटा का इनक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, डेटा का इनक्रिप्शन, डेटा का चेंज होना या बदलाव होना, ठीक है। इसे पढ़ने के लिए, अगर आप इसे नहीं पढ़ सकते, अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो ये केवल और केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो एक्सपर्ट हो, ठीक है। एक्सपर्ट आदमी ही इसे पढ़ सकता है, इसे आम आदमी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में जब कन्वर्ट किया जाता है, या जो इंटरनेट के अंदर प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दोस्तों ये जो साइफर टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक ही इंटरनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो साइफर टेक्स्ट है ये हमको समझ में नहीं आती कि इसमें लिखा क्या गया है, इसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता, इसको केवल और केवल एक्सपर्ट आदमी ही पढ़ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाती है कि हमारी जो डेटा है, हमारी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। हमारी डेटा का सिक्योरिटी बढ़ जाता है जब प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तब हमारी जो डेटा है उसको कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, जिससे कि हमारी जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। यही क्या कहलाती है, डाटा इंक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, डाटा इंक्रिप्शन कहलाती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेथड ऑफ कनेक्शन के सेकंड मेथड के बारे में, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, वो है फायरवॉल, फायरवॉल, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, नेटवर्क को सिक्योर करने वाली एक डिवाइस या सिस्टम होती है, ठीक है। नेटवर्क को सिक्योर करने वाली, किसको, नेटवर्क को सिक्योर करने वाली एक डिवाइस या सिस्टम होती है, जो हमारे सिस्टम के अंदर अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड यूजर, अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस होने से बचाती है। किसको बचाती है, अनऑथराइज्ड यूजर को एक्सेस होने से बचाती है, ठीक है।
क्या होती है? नेटवर्क को सुरक्षित करने वाली एक डिवाइस या सिस्टम होती है, क्या? फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है? नेटवर्क को सुरक्षित रखने वाली एक डिवाइस या सिस्टम होती है जो हमारे, ठीक है, सिस्टम के अंदर या हमारे इंटरनेट के अंदर या हमारे नेटवर्क के अंदर जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसको एक्सेस होने से बचाती है। ये इसका मुख्य वर्क है। नेक्स्ट मेथड है वो है एंटीवायरस। नेक्स्ट मेथड क्या है? एंटीवायरस। दोस्तों आप लोग को शायद एंटीवायरस के बारे में पता होगा। एंटीवायरस क्या करती है? एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस को मालवेयर भी कहा जाता है। एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर भी कहते हैं। इसका मेन वर्क क्या होती है? हमारी जो सिस्टम है, ठीक है, हम जिस सिस्टम पर वर्क करते हैं उस सिस्टम में वायरस को आने से रोकना। जब भी हम उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो एंटीवायरस उससे क्या कर लेगी, जो भी वायरस होगी उसको डिटेक्ट कर लेगी, उसको हटा लेगी। अर्थात कुल मिलाकर यहां कहा जाए कि जो एंटीवायरस होती है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, वो हमारे सिस्टम को सिक्योर करती है, हमारे सिस्टम में हार्मफुल वायरस को आने से रोकती है। इस प्रकार से ये हमारी सिस्टम को क्या करती है? सिक्योर करती है। किससे? जो वायरस होती है उससे हमको बचाती है। और दोस्तों आप लोगों को पता होता है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ गया तो हमारे सिस्टम को कितना ज्यादा नुकसान होता है। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर वायरस आ गया मान लो, तो ये क्या करेगी, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी फाइल है उसको डिलीट कर देगी, हमारा जो सिस्टम होगा वो हैंग हो जाएगा, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक नए नए फाइल बनते जाएगी, इस प्रकार के प्रॉब्लम हमारे सिस्टम के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों इन सारी चीजों से बचाने के लिए हम अपने सिस्टम के अंदर क्या डालते हैं? एंटीवायरस डालते हैं, ताकि हमारे सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे, उसमें किसी भी प्रकार के वायरस का अटैक ना हो, ठीक है। तो यही मेन वर्क होता है एंटीवायरस का। अगला मेथड ऑफ कनेक्शन है वो ये है HTTPS, ठीक है, HTTPS, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है हाइफर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। ये क्या है? नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, कनेक्शन ऑफ मेथड में या मेथड ऑफ कनेक्शन का नेक्स्ट मेथड क्या है? HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। HTTPS का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटोकॉल है। क्या है ये प्रोटोकॉल है? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स। क्या होती है? प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होती है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने इंटरनेट पे प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा। अलग अलग प्रकार की प्रोटोकॉल होती है, और प्रोटोकॉल को हिंदी में कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स। तो उन्हीं प्रोटोकॉलों में से HTTPS क्या है? एक प्रकार की प्रोटोकॉल है जिसका पूरा नाम होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों इसका जो मेन वर्क होती है वो क्या करती है? इसके द्वारा यूजर ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट पर सुरक्षित कम्युनिकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? यूजर ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट पर, ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट पर, यूजर ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट पर सुरक्षित क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। HTTPS, ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरनेट के अंदर प्रोटोकॉल क्या होती है? सेट ऑफ रूल्स होती है, जिसके द्वारा यूजर, ठीक है, यूजर मतलब उपयोगकर्ता, ब्राउजर से वेबसाइट पर सुरक्षित क्या कर सकता है? कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल का यूज करते हुए यूजर ब्राउजर से
ब्राउजर से वेबसाइट का यूज करते हुए सुरक्षित कम्युनिकेशन कर सकता है, किसमें? HTTPS में, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेथड के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मेथड है SSL, ठीक है। क्या है SSL? जिसका पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का पूरा नाम क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या करती है, हमारी जो डेटा होती है उस डेटा को इंटरनेट से ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी की तरह कार्य करती है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। जो डेटा होती है उसको इंटरनेट से ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, ठीक है। SSL जिसका पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका मेन वर्क क्या होता है, डेटा को इंटरनेट में सुरक्षित ट्रांसफर करने के लिए एक सिक्योर प्रोटोकॉल होती है। SSL का निर्माण 1990 में नेटस्केप के द्वारा किया गया था, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया सिक्योर कनेक्शन क्या होती है, ठीक है, मेथड ऑफ कनेक्शन क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया। अगले वीडियो में दोस्तों जो सिक्योर कनेक्शन है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।